बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी रश्मि देसाई टेलीविजन के छोटे पर्दे पर अपनी एक काफी बड़ी पहचान बना चुकी हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि उन्होंने अपने करियर के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। इन्हीं मुश्किलों में से एक बेहद कठिनाई का दौर आया उनकी जिंदगी में, जो कि कास्टिंग काउच था। उन्होंने बताया कि 13 साल पहले जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं जानती थी, तो उनसे कहा गया था कि अगर कास्टिंग काउच से नहीं गुजरोगी तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने उन्हें कास्टिंग काउच का शिकार बनाया, उसका नाम सूरज था। रश्मि नहीं जानती कि वो हाल फिलहाल कहाँ रहते हैं, पर उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी कैमरा नहीं था। इसके बाद सूरज ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश करने की कोशिश भी की, लेकिन रश्मि किसी भी तरह वहां से निकल आई और इसके अगले दिन वो अपनी माँ के साथ सूरज से मिलने पहुंची। सूरज को रश्मि की माँ ने एक थप्पड़ भी मारा, जो कि रश्मि की माँ ने हालातों को देखते हुए एकदम सही कदम उठाया। आज रश्मि देसाई अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। रश्मि देसाई के यूं तो पहले भी कई सारे फैंस थे, लेकिन आज की डेट में उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है।